हेलो मनीष, कैसे हेलो। हो? काफ़ी अच्छा। हाँ, चलो, कैसा चल रहा है सब? सारा का सारा अच्छा चल रहा है। अभी 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 कहाँ हो आप? मैं अपने कैंपस में हूँ, नाइपर मोहाली। ओके, ग्रेट। सो जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स को तो बता ही दिया कि मनीष एक एवरेज स्टूडेंट था, और उसके बाद कैसे चेंजेस आए उसके अंदर, है ना? आई थिंक सेकंड ईयर में तुम्हारी बात हुई थी हमसे। सेकेंड ईयर में हुई थी, फर्स्ट ईयर में हुई थी? सेकेंड ईयर में हुई थी मेरी, फोर्थ सेम पे ओके, फोर्थ सेम में हुई थी, है ना? पास आउट होने के बाद तब मैंने कॉल किया था। ओके, चलो, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है मनीष, तो जीपैट के ऊपर ही आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो जितने भी फ्रेशर्स, मतलब स्टूडेंट ही होते हैं, जो भी बी फार्म में एडमिशन ले चुके होंगे, उन्हें ही ज़्यादा क्रेज़ होगा जीपैट वगैरह का, और जानकारी होनी भी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि जीपैट होता क्या है। पैट एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू अपन एम फार्मा कर सकते हैं बाकी कुछ अच्छे कॉलेजों से। जैसे नॉर्मली क्या रहता है, अपना प्राइवेट कॉलेज ढेर सारे होते हैं एम फार्मा के लिए, लेकिन कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जिनसे हमें हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो हमारे एम फार्म में। और उसके अलावा क्या रहता है, हमें यहाँ पे अपनी स्टाइपेंड भी आती है समथिंग 1200 1200 400, ठीक है, जो कि जिससे काफ़ी सहूलियत मिल जाती है हमें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एम फार्म नहीं कर पाते या फिर अच्छी कॉलेजों में नहीं पढ़ पाते वो लोग। तो हाँ, तो उसके लिए हमें जीपैट निकालना होता है, और जीपैट निकालने के बाद हम लोग एक अच्छी कॉलेज में जा सकते हैं इस जीपैट एग्जामिनेशन के थ्रू। ठीक है, तो मतलब ये कि बी फार्म के बाद होता है ना, तो ये सबसे पहले तो स्टूडेंट को यही जानना होगा, थर्ड ईयर में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, थर्ड ईयर में दे सकते हैं, इवन आप लास्ट ईयर भी दे सकते हैं, क्योंकि और देना भी चाहिए स्टार्टिंग से ही, हमें इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। क्या रहता है कि अगर आपको एक अच्छी रैंक लाना है तो आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन अच्छी करो एक अच्छी गाइडेंस के अंडर, जैसे या तो कोई आप कोचिंग ज्वाइन करो या फिर कोई आपके सीनियर हो जो कि अच्छी जगह ऑलरेडी हो, उनसे बात करो कि किस तरह से हमें जीपैट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। चलिए ठीक है। उसके बाद यही है कि अगर स्टूडेंट को जीपैट के लिए प्रिपेयर करना हो, तो उसके लिए सही गाइडेंस क्या होगा? मतलब सबसे पहले अगर उसे कहीं इन्वेस्ट भी ना करना हो, तो उसके लिए क्या गाइडेंस रहेगी फर्स्ट ईयर से, अगर हम बात करें? देखो जैसा मैंने किया मैं वो बता सकता हूँ, मतलब हम आज यूट्यूब है हमारे पास, हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा अदर चीज़ें परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। वो जब होता है जब हमें जैसे कोई क्रैश कोर्स ख़रीदना है, क्रैश कोर्स इसलिए होता है कि कुछ हमारा सारा हो चुका है लेकिन एग्ज़ाम के लास्ट 2 मंथ बचे हैं तो रिवीजन हो जाता है उस चीज़ों से। लेकिन हम जो प्रिपरेशन रहती है वो हम ऑलवेज अपने यूट्यूब से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे ढेर सारे चैनल्स हैं, उनसे स्टार्ट करिए आप। और जैसे कोई भी और सारी सारी चीज़ें आपको एक पर्टिकुलर चैनल पे तो नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे ढेर सारे चैनल से जो आपको टॉपिक वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। जैसे फार्माकोलॉजी का कोई एक स्पेसिफिक चैनल आप फाइंड कर सकते हैं, उसके अलावा कोग्नोसी के लिए स्पेसिफिक कर लीजिए जहाँ पे आपको इंटरेस्ट आता हो इस तरह से, या फिर आप टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं कि मैं टॉपिक ढूंढता हूँ इस चैनल से, तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है। और इसमें आपका आप अच्छे अपने नोट्स भी बना सकते हो, साथ में पढ़ते रहो और नोट्स बनाते चलो टाइम टू टाइम, और कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि सारा कंटेंट आपके ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। ओके, चलो ठीक है मनीष। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कब स्टार्ट किया था जीपैट की प्रिपरेशन करना, कब आपके मन में आया, और फाइनली आपने कब स्टार्ट किया था? तो जैसा कि अब आप बता चुके हो कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और मेरी तो फर्स्ट सेम में इवन बैक भी आ चुकी थी, और मुझे मेरा जो कॉलेज है मैं किसी हाई प्रोफेशनल कॉलेज से नहीं हूँ, ना मेरा स्टडी बैकग्राउंड इतना अच्छा था। कभी फोर्थ सेम के बाद आपसे मिला मैं, फिर उसके बाद धीरे 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 मैंने स्टडी में आपसे मोटिवेट होके मैंने अच्छा ट्राई करने का कोशिश किया, फिर मेरा सेमेस्टर में भी थोड़ा थोड़ा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बीएसपी फार्मेसी को और करे अपने सीयूईटी बी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। बेस बनता गया, उसके साथ ही मैंने सुना था कि एक जीपेट नाम का कोई एग्जाम होता है, और उसको करने के बाद कुछ एम फार्म के कॉलेजों में अपन एंट्रेंस एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और कुछ में डायरेक्ट अपने को इंटर मिल जाता है रैंक बेस पे। हाँ, तो मैंने थोड़ा थोड़ा देखने स्टार्ट किया, फिर इवन लास्ट में जाके मुझे कुछ महीने पहले, एग्ज़ाम से कुछ महीने पहले मैंने थोड़ा ठीक से प्रिपरेशन स्टार्ट किया जिसकी। हाँ, तो उसके बाद एग्ज़ाम दिया और
होता गया और ये है, लेकिन मेहनत कंटिन्यूस रखनी पड़ती है, क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट लास्ट में कीजिए, जिससे आपकी बहुत अच्छी रैंक तो नहीं आ सकती लेकिन आप सिलेक्टेड जरूर हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। बिल्कुल। और मनीष, जैसे कि बहुत ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा भी नॉर्मल भी एग्ज़ाम नहीं होता है कि बच्चे अगर सोचे कि नॉर्मल भी अगर हर कोई लास्ट के 2 महीने या 4 महीने में प्रिपरेशन करके नहीं क्लियर कर सकता है, आपको स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और मनीष ने तो सेकंड ईयर के बाद उसके मन में आया और फिर भी देखो कितना इम्प्रूवमेंट बताया इन्होंने कि फर्स्ट सेम में बैक भी थी और एक एवरेज स्टूडेंट, बिल्कुल एवरेज 60 कितने परसेंट आते थे स्टार्टिंग में मनीष? मेरे वही 61 और 68 मेरा 4 सेम तक था, वही हाईएस्ट था मेरा 6.8 CGPA। और फिर आपको यकीन नहीं होगा कि हम लोगों के परसेंटेज से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इन्होंने गेन किया। तो जो इंसान सोच सकता है वो कर भी सकता है, ये पॉसिबल है और ये इन्होंने करके दिखाया है ना। और आज नाइपर मोहाली से ये अपनी एमफार्म कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो उसके बाद मनीष नेक्स्ट ये रहेगा कि जैसे कि गुड मार्क्स की बात अगर मैं करें, अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं जीपैट में और इसमें रैंक वगैरह का क्या होता है? देखो, अच्छे मार्क्स टारगेट करने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, न कि हार्डवर्क चलता है, हार्डवर्क सब लोग करते हैं, लेकिन आपको अगर टाइम कम है और आपके पास अच्छी गाइडेंस नहीं है तो आपको सिर्फ पहले जिन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिनका वेटेज ज़्यादा रहता है, उनको टारगेट करना चाहिए। जैसे अपना हो गया इकोलॉजी हो गया, सिटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, पहले इनको टारगेट कीजिए और जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है उससे स्टार्ट कीजिए। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल का इकोलॉजी होता है, इकोलॉजी से स्टार्ट करिए, उसके बाद सिटिक्स पकड़िए, लास्ट केमिस्ट्री पकड़िए। इनको अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते तो हाँ, आप सिलेक्ट हो सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी, बहुत टॉप रैंक में आ सकते, लेकिन एक आप अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं अगर इनमें आप परफेक्ट हो जाते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन मनीष ये रहेगा कि क्या एम फार्म करने के लिए जीपैट नेसेसरी होता है? अपन ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छी जगह से एम फार्म करना है या एमएस करना है तो ऑब्वियसली जीपैट काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एम फॉर्म सब लोग करते हैं। एम फॉर्म करने के बाद कुछ लोग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं लेकिन उनको अच्छा पैकेज नहीं मिल पाता, बिकॉज क्योंकि वो एक प्राइवेट कॉलेज से, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं है, वहाँ से एम फॉर्म करके निकलते हैं। अगर आप जीपैट के बेस पे किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेते हो और उसके बाद अपना एम फॉर्म या एम एस कम्प्लीट करते हो तो उसके बाद आपको एक अच्छी सैलरी मिलने की आशंका रहती है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ, जीपैट ज़रूरी है थोड़ा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और इससे एक थोड़ा सा स्कॉलरशिप मिलने लगता है तो काफ़ी सपोर्ट भी हो जाता है स्टूडेंट को। 12,400 पर मंथ मिलना बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, तो वही 2 साल के अराउंड समथिंग 3 लाख के समथिंग हो जाता है वो, 2,96,000 या। बिल्कुल सही बात है। चलिए ठीक है, तो ये जो मिलती है स्कॉलरशिप, क्या ये एग्ज़ाम को पास आउट करने से मिलती है या फिर एडमिशन लेने से मिलती है? नहीं, ये कुछ लोगों का हाँ ये क्वेश्चन रहता है, तो ये अपने को सिर्फ एग्ज़ाम पास आउट होने से नहीं मिलता है, हमें एग्ज़ाम पास आउट होने के बाद हमें एम फॉर्म करना पड़ता है। कुछ स्पेसिफिक कॉलेज हैं उनसे ही करना पड़ता है जो कि अप्रूव्ड होते हैं, सिर्फ उन्हीं कॉलेज से करेंगे तभी जाके हमें ये अपनी स्कॉलरशिप मिलती है। अदरवाइज आप सिर्फ एग्ज़ाम कर पास आउट होने के बाद इसके हकदार नहीं होते हैं, आपको एम फॉर्म भी करना पड़ता है कंटिन्यूस 2 साल तक। अगर आप बीच में भी ड्रॉप करते हो तो आपकी स्कॉलरशिप रुक जाएगी और जितनी है आपको पूरी रिटर्न करनी पड़ती है। मतलब रिटर्न भी करनी पड़ती है? यस। तो इसमें मतलब अगर बैक वगैरह आ जाती है तब भी रिटर्न करनी पड़ती है क्या? अच्छा, बैक आने पे हमें रिटर्न नहीं करनी पड़ती, वो नाइपर के अंदर ऐसा होता है कि बैक आने पर तुम्हारी स्टाइपेंड रुक जाती है जब तक तुम बैक क्लियर नहीं करते, और जैसे ही बैक क्लियर होने के बाद नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाती है आपकी, कंटिन्यूस हो जाती है। चलिए, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। ओके, सो मतलब अगर बच्चा थर्ड ईयर में है, सेकंड ईयर में, तब भी वो प्रैक्टिस के लिए दे सकता है। मेनली कब देना चाहिए उसे एग्ज़ाम? परफेक्ट जो टाइम होता है वो कौन सी ईयर में देना चाहिए पेपर? देखो, परफेक्ट जो टाइम होता है आई थिंक सो उसे थर्ड ईयर में एग्ज़ाम दे के ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट, चाहे वो उसने कितना भी पढ़ा हो। उससे क्या रहता है, हमें एक आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें किस तरह से आगे प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आपका थर्ड ईयर में भी क्वालिफाई नहीं होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फोर्थ ईयर में निकाल सकते हो, तो आपको बस एक बेसिक आइडिया लगने के लिए एग्ज़ाम थर्ड ईयर में ज़रूर देना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें जैसे थर्ड ईयर में बच्चे ने पेपर दिया तो देने के बाद कब तक ये वैलिड रहेगा, मतलब कब तक हम एडमिशन ले सकते हैं? थर्ड ईयर में देने के बाद अगर क्लियर हो गया तो उसका कोई मतलब नहीं है? हाँ, थर्ड ईयर में देने के बाद मतलब तो नहीं है, बट एक
हमें कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ नेक्स्ट बार हम इससे मेहनत करके अच्छी रंग ला सकते हैं और मतलब एक लेवल पता अच्छी रंग सिक्योर कर सकते हैं। ये पता चल जाता है कि हमारा लेवल कितना है, हमारी प्रिपरेशन हाँ, कितनी, उससे हम आगे के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाते हैं। चलिए ठीक है मनीष, काफ़ी सारी चीज़ें, शायद मेरे हिसाब से तो जीपैट से रिलेटेड कुछ छूटा नहीं होगा, तुम्हें लगता है कुछ छूटा है? नहीं, वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, क्योंकि हाँ नॉर्मल चीज़ें तो सारी जगह यूट्यूब पे मिल जाती है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई जो एवरेज स्टूडेंट है, जिसका जो अपने कॉलेज में टॉपर ना हो या ऐसा कुछ हो कि नहीं मेरे से तो आगे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मेरे क्लास के जो टॉपर हैं वही लोग निकालेंगे, तो ऐसी थिंकिंग बिल्कुल ना रखें। क्योंकि जो सेमेस्टर वाली स्टडी होती है वो डिफरेंट होती है जीपैट से, भले ही सिलेबस वही लगभग रहता है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, एक होता है जो थ्योरी याद करके रटना, रिमेंबर अपनी मेमोरी में बना के रखना, दूसरा क्या होता है, अपन जो क्वेश्चंस रहते हैं छोटे छोटे एमसीक्यूज, एमसीक्यू जो थ्योरी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे जो कि अपने कॉलेज के टॉपर नहीं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बीएसपी फार्मेसी को और करे अपने CUET बी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। नहीं थे, इवन मैं भी अपने कॉलेज का टॉपर नहीं था, कभी थर्ड रैंक पे, कभी सेकंड रैंक पे, मतलब आफ्टर फिफ्थ सेम के बाद से, तो लेकिन फिर भी जो मेरे से टॉप करते थे मेरे अलावा, उन लोगों का भी जीपैट या नैपर कभी नहीं निकला उनका, लेकिन मैं उनसे पीछे होने के बाद भी यहाँ निकाल के बैठा। और मेरे जैसे यहाँ पर ढेर सारे स्टूडेंट हैं जो नैपर मोहाली के अंदर, जिन्होंने जीपैट भी निकाला और नैपर भी निकाला, लेकिन उनसे जो आगे वाले बंदे थे वो नहीं निकाल पाए। तो इसलिए अपने रैंक या स्टडी थोड़ी कम होने के चक्कर में कभी हार नहीं मानना है, ये सारी चीज़ें याद में रखना है। हर कोई कुछ भी कर सकता है, ये ना मत सोचिए कि मेरा तो क्या है, मैं क्या ही करूँगा, मेरे से आगे वाले लोग ही कर सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, अगर आपके दिमाग सोच सकता है तो वो कर भी सकता है ना। और ज़रूरी नहीं, जैसे कि जो टॉपर्स होते हैं जो कि हमेशा अपने सेमेस्टर्स में टॉप करते हैं, लेकिन वो क्या हो जाते हैं, उन्हें थ्योरी की आदत हो जाती है ना। लेकिन मोस्टली ऐसा भी नहीं है कि जो टॉपर्स होते हैं वो कभी भी नहीं कर पाते क्लियर, ऐसा नहीं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया इसलिए कि सिर्फ टॉपर्स ही नहीं कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि अगर कॉलेज में उनकी बैक भी आ रही है सेमेस्टर्स में, फिर भी वो जैसे कि जीपैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, पर वहाँ मनीष एक चीज़ और होती है इसमें, जैसे स्टूडेंट की किसी की बी फार्म में बैक है और उसने अपना जीपैट क्लियर कर लिया और 8th सेम में उसकी बैक है, तो क्या वो नाइपर के लिए या फिर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल होगा एडमिशन के लिए? नहीं नहीं, उसे पहले अपना बैक क्लियर करना होगा, ऐसा नहीं चलता। हाँ, पहले उसे अपना बैक क्लियर करना होगा, उसके हाँ, बाद वो एडमिशन। वैसे भी ये जो 2 साल के लिए वैलिड रहता है ये अपना स्कोर कार्ड। ओके चलो ठीक है मनीष, अब 2023 में जो आई थिंक 2 या 3 साल, मैं एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हूँ, मतलब शायद 2 या 3 साल ऐसा रहता है, 2 या 3 में से। ओके ठीक है, तो 2023 में जो एग्ज़ाम होगा जीपैट का, उसके लिए आप स्टूडेंट को थोड़ा गाइड कर दीजिए, बता दीजिए क्या स्ट्रेटेजी। फर्स्ट सेम के अभी बच्चे हैं, अभी आए हैं, एडमिशन लिया है, तो अभी से वो प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करें, अभी से ना करें, सेकंड सेम थर्ड सेम से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और जीपैट के बारे में सोचना शुरू करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है, आप हार्डवर्क कीजिए, हार्डवर्क के साथ में स्मार्ट स्टडी कीजिए, क्योंकि हर किसी के पास अच्छे उतने पैसे नहीं होते कि कोचिंग के 18,000, 20,000 या 15,000 रुपए पे करें अपन कोचिंग के लिए, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता, इवन मेरे पास भी नहीं थे। तो आप लोग यूट्यूब से स्टार्ट कीजिए, सबसे जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जैसे हो गया अपना कोलोजी हो गया, सोटिक्स हो गया, इससे स्टार्ट कीजिए। आप खुद के नोट्स बनाइए, दूसरों के नोट्स पे ज़्यादा डिपेंड मत रहिए, खुद के नोट्स बनाइए, रेगुलर बेस पे बनाइए और उनको पढ़िए और रिविज़न करते रहिए। इससे क्या रहता है कि अगर अपन कंटिन्यूस में रहते हैं तो अपने को एक अंदर से मोटिवेशन रहता है कि हाँ मैंने इतने सारे टॉपिक्स कवर किए और मैं कंटिन्यूस करता जा रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद सेकंड होगा, थर्ड होगा, तो आपका एक अच्छा खासा जो पोर्शन है जीपैट के लिए तो वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जैसे अपना कोलोजी देखिए, कोलोजी सिर्फ कोलोजी और एनाटोमी आप इन दोनों को साथ में कर सकते हो, इनमें से समथिंग 28 क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा अपना जो सिटिक्स हो गया, सिटिक्स में से आपके 38 क्वेश्चन आएंगे और सेम ही केमिस्ट्री में से आएंगे, और ये सिर्फ केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री के अंदर भी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इस तरह से टोटल सबको मिला के 38। तो जो मोस्ट ऑफ जो बड़े सब्जेक्ट हैं जिनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं, आप उनको पहले टारगेट कीजिए, जो माइनर है उनको बाद में,
पहले हर लार्ज सब्जेक्ट को टारगेट करना चाहिए हमें। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। चलिए ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह कितनी होती है? आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपके 4 मार्क्स ऐड होते हैं, अगर आप एक गलत करते हैं तो -1 नंबर कटता है आपका। और समथिंग ये 125 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 3 आवर। ओके चलिए ठीक है, तो मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं अभी। इसी तरीके से मनीष, जैसे कि फर्स्ट सेम में जो बच्चे आए हैं उनके लिए भी हम लोगों ने क्या किया है, बच्चों की जो लाइव क्लास चल रही है उसमें 5 दिन बच्चे को स्टडी करवाते हैं, फिर 6th डे मतलब हर सैटरडे को टेस्ट होता है जिसमें MCQs भी हमने इन्वॉल्व किया, बिकॉज MCQs वैसे तो थ्योरेटिकल एग्जाम में आते नहीं है, बट बच्चा अभी से MCQs सॉल्व करने की कोशिश करे इस वजह से ही MCQs वगैरह एड ऑन किए हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने होते हैं या फिर इस टाइप के जो GPET है, NIPER है, इन सब एग्जाम्स में पूछा जाता है MCQs ही, तो MCQs पे भी पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है बच्चों की। और ज़रूरी नहीं है कि हर जगह कोचिंग ही करें, आपने तो बताया कि 15-20 हज़ार रुपये कोचिंग की फ़ीस है, लेकिन कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि 30 हज़ार जो हायर सिटीज़ हैं उनमें 30 हज़ार 35 हज़ार 40 हज़ार तक के भी GPET के लिए कोचिंग करवाई जाती है। सो इस तरीके से आपको बाद में कोचिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आना वही है जो आपको 4 साल में पढ़ना है, उसके लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें। ओके थैंक यू सो मच मनीष फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, और जल्दी ही मनीष के साथ एक और वीडियो आएगा NIPER मोहाली के लिए, क्योंकि वो भी पता होना आपको ज़रूरी है, बच्चों को तो पता ही नहीं होगा NIPER होता क्या है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को GPET का भी नहीं पता होगा। सेम क्योंकि होता है वो स्टार्टिंग में हमें भी नहीं पता था, क्योंकि हमारे सीनियर्स भी इवन इस बारे में नहीं जानते थे, तो उन्होंने ना हमें कभी बताया, लेकिन वो कुछ फैकल्टीज़ के बाद में फैकल्टीज़ के थ्रू हमें पता चला कि हाँ कुछ GPET होता है, एंड GPET के बाद में पता चला कि कुछ NIPER भी होता है। NIPER भी होता है हाँ बस जी, अगर आप किसी ऐसे कॉलेज से कर रहे हैं मतलब कोई नॉर्मल कॉलेज है, अगर ज़्यादा हाई फाई कॉलेज नहीं है, हाई फाई सिटी में नहीं है, तो आपको GPET का भी पता चलेगा, वो भी 2nd ईयर में जब आप 4th सेम में कोलोजी जैसे सब्जेक्ट पे आ जाएंगे तब टीचर्स थोड़ा बहुत उसके बारे में बताते हैं, NIPER के बारे में तो कोई बताता भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर किसी को लगता है पहले GPET निकालो फिर NIPER निकालो, बहुत टफ हो जाता होगा, मतलब इस तरह की थिंकिंग लोग रखते हैं जब भी। बिल्कुल चलिए ठीक है मनीष, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू सो मच। आपका भी थैंक यू इतना टाइम निकालने के लिए, अप्रिशिएट।